Hello dear aspirants and scholars, welcome back to all of you once again to your own channel, and this is the session regarding the important news जो कि 100% आपके state PCS के exam में और civil judge के exam में पूछा जाएगा। ये important news session आपको daily basis पे हो सकता है मिले या alternate पे मिले, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं news को cover किया जाएगा जिनके exam में आने के chances हैं। मैं आपको current affair नहीं पढ़ा रहा हूँ, I am making a probability that these questions will be asked the examination. Fine? तो आइए सबसे पहले हम बढ़ते हैं first news की तरफ। मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना जो कि किस राज्य के है, उत्तराखंड की है। वहां पर क्या होगा, 3900 budding sports person को यह scholarship provide की जाएगी, जिसमें 1950 boys होंगे and 1950 girls को scholarship ये दिया जाएगा। जिनका एज ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो 14 से लेकर के 23 साल के होंगे। स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है वहां पर। एक बात और, आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जो कोचेस हैं, जो कोच की संख्याएं हैं वो डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम है, इसलिए वहां पर 8 कोचेस पर डिस्ट्रिक्ट भी अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही साथ इसी योजना के तहत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर प्लेयर्स को इंजरी होती है उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। एक चीज और, ट्रेवल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट इज हरिद्वार बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, आपको पता है कि नीति आयोग अभी हाल ही में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर के लिस्ट जारी किया, जिसमें हरिद्वार को पहला स्थान मिला। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि नीति आयोग के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, उसमें पहला स्थान किसका है, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो स्कीम है वो कौन लॉन्च करता है, तो नीति आयोग लॉन्च करता है। इसमें 5 पैरामीटर्स पे बेसिकली चीजें देखी जाती हैं। वो 5 पैरामीटर क्या है, पहला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, चौथा है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, एंड लास्ट इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने। एक बात और बता दूं, आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर हर एक स्टेट पीसीएस एग्जाम, जो कि चाहे वो जीएस पार्ट हो या रीजनिंग हो, और साथ ही साथ जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेट सिविल जज एग्जाम प्लस एपीयू, इसकी रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस चलती हैं। आप अपने आपको एनरोल कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप करके 9452220757 पर कॉल करके। नेक्स्ट इज INS विक्रांत, फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ, INS विक्रांत, दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके देश का पहला स्वनिर्मित, जिसे कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको हम IAC-1 के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है और 59 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें 2200 कोचेज हैं जो कि 1600 पीपल को एकोमोडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें वुमेन जो ऑफिसर्स हैं उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अलग से भी केबिन बनाए गए हैं। अगर हम शिप की स्पीड की बात करें तो किनॉट्स में नापी जाती है। इसकी जो क्रूज स्पीड है वो है 18 किनॉट्स, जो टॉप स्पीड है वो 29 किनॉट्स की है, जो इंड्योरेंस ये दे सकता है वो 7500 किनॉट्स का दे सकता है। एक चीज और, ये शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म STOBAR पे काम करता है। ये वो टेक्निक है जिसके द्वारा जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लैंडिंग और टेक ऑफ करते हैं जब किसी शिप पर, तो ये उसको कहा जाता है। बहुत छोटा सा एरिया होता है जिससे उनको टेक ऑफ करना पड़ता है, इसलिए उनको बहुत हाई स्पीड में रन कराया जाता है। साथ ही साथ उनके उतरने की लैंडिंग में बहुत लंबा एरिया चाहिए होता है। अब शिप में तो हम भैया 10 किलोमीटर का एरिया, 5 किलोमीटर का एरिया नहीं कवर कर सकते, इसलिए हम वायर्स वगैरह लगा करके एयरक्राफ्ट की स्पीड को धीमा करते हैं। तो ये यहाँ पर वही मैकेनिज्म है। इसका मोटो क्या था, जय में सम युद्धि सम स्प्रधा। इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये ऋग्वेद से ये लाइन ली गई है, इसका मतलब ये है कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, जो मेरे खिलाफ लड़ेगा उसको मैं मार गिराऊंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज वज्र प्रहार। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि इंडिया और यूएस के बीच में 2022 में किया गया है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, इसका एडिशन आपको याद रखना है, 13th एडिशन है। साथ ही साथ एट बकुला HP मतलब कि हिमाचल प्रदेश में ये किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक डेट और डे याद रखना है, 30 अगस्त, जो कि स्मॉल इंडस्ट्री डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आजकल हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को लेकर भी काफी बढ़ावा है, इस वजह से ये पॉइंट बनता है। चैनल
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑनलाइन पेड कोर्सेज जो भी आपको मैंने जुडिशियल एग्जाम्स के रिलेटेड बताया है उनको ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बेनिफिशियल है। धीरे से हमें टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं भाई, तो उसके लिए भी बेसब्री से इंतजार रखिएगा। थैंक यू एंड टाटा, गुड बाय।